नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय में साली के प्यार में पागल एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। घटना कजरा थाना क्षेत्र के अरमा गांव की है। दिल दहला देने वाली इस घटना का खुलासा तब हुआ जब अरमा गांव निवासी ANM सुधा श्री की हत्या गोली मारकर उसके घर में ही सोए अवस्था में कर दी गई। घटना की जानकारी के बाद जब पुलिस अरमा गांव पहुंची तो यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल जिस महिला का मर्डर हुआ उसकी 3 बेटियाँ थीं। महिला के पति ने अपने साली के लड़के को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले रखा था। यही वजह थी कि सुधा श्री और उसके पति राजेंद्र मंडल में बराबर लड़ाई झगड़ा होते रहता था। इसके बाद राजेंद्र मंडल ने जो साजिश रची वो हैरान कर देने वाली थी। पत्नी को मारकर अनुकंपा पर साली के बेटे को नौकरी और फिर साली के साथ पूरा जीवन साथ बिताने का सपना राजेंद्र मंडल को जेल तक पहुँचा दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस घटना में शामिल पति राजेंद्र मंडल, दत्तक पुत्र सौरभ कुमार और साली सुमन भारती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पहले सुनिए घटना को अंजाम देने वाले राजेंद्र मंडल, दत्तक पुत्र सौरभ और साली सुमन भारती ने क्या कुछ कहा है, फिर लखीसराय SP पंकज कुमार क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर वो भी आपको सुनाएंगे। राजेंद्र कुमार, आप अपने पत्नी का मर्डर क्यों किए? क्या कारण आ गया कि पत्नी का मर्डर करना पड़ गया? हाथ नहीं कपा अपनी पत्नी को गोली मारते हुए आपका, बताइए राजेंद्र जी। आपको अगर नई पत्नी से पट रहा था, आपको अपनी साली से ही प्रेम था तो आप अलग हो सकते थे, तलाक ले सकते थे। गोली मारने में आपका हाथ नहीं कांपा? बताइए, जब मर्डर किया तो फिर बताने में क्या धरा, बताइए ना भाई। अब तो आप पुलिस के गिरफ्त में हैं, बताइए कैसे इस घटना को अंजाम कैसे दिया। राजेंद्र जी जी बताइए ना जी, क्या बताएं? क्या करें ना, बोले होने का था वो हो गया, लेकिन अब कहानी तो बता दीजिए आप। कोई कहानी नहीं है। कहानी नहीं है, अपनी पत्नी का आपने मर्डर कर दिया और बता रहे कहानी नहीं है। आपको अगर नई पत्नी से पट रहा था तो आप तलाक दे सकते थे, जान मारने की क्या जरूरत? ये सब आरोप प्रति आरोप है, सच्चाई कुछ नहीं है। सच्चाई क्या है बताइए, सच्चाई बता दीजिए हम लोग। नहीं, आप जो बोल रहे थे कि अब संबंध है ऐसे है वैसे है, तो सच्चाई बता दीजिए। क्या बताइए, सच्चाई बता दीजिए आप। क्यों आपने हत्या की? क्यों गोली मारा है आपने? हथियार भी बरामद हुआ है आपके घर से। क्या घटना के पीछे वजह क्या है राजेंद्र जी? कोई वजह नहीं है। बेवजह? कुछ तो होगा, तब तो आपने ऐसा किया। यह तो जांच का विषय है, अब जो होगा आगे। क्या कहना चाहते, क्या सफाई आप देना चाह रहे थे बताइए, वही बता दीजिए आप। जांच का विषय है, जांच में जो आगे आएगा सो होगा। तो आपकी पत्नी का मर्डर कैसे हुआ, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। आप घर में, आप और आपकी पत्नी दोनों, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, तो कौन आके मार दिया उसको? और जिस हथियार से गोली चली है वो हथियार आपके घर से मिला है, आपके कब्जे से मिला है जैसा पुलिस कह रही है, आखिर क्या वजह है? अगर प्रेम संबंध का मामला नहीं था तो मामला है क्या? आपकी दोनों बच्ची बाहर एग्जाम देने के लिए गई थी और आप घर में अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिए, ऐसा आरोप है आप पर। अच्छा, ये साथ में कौन लड़का है, ये जो रेड टी-शर्ट? ये साढ़ू का लड़का है। बच्चे से रहता था। आपकी साली भी हिरासत में, साली को क्यों उठाया गया? अब तो प्रशासन जाने। मतलब आपकी पत्नी का मर्डर कैसे हुआ ये आप नहीं जान रहे हैं? हम कुछ नहीं जान रहे हैं। सवाल है कि ये लड़का जो है बच्चे से मेरे यहाँ रहता था, और ये सब संबंध उम्बंध की बात जहाँ तक, यहाँ ये सब कोई बात नहीं है। हमको साजिश के तहत इसको जो है इन लोगों को यहाँ तक ले आया। नहीं, आप कह रहे हैं कि साजिश हो रहा है, कौन साजिश कर रहा है? हथियार आपके कब्जे से मिला है, आपके घर से मिला है, उसमें जिस कार्टेज का इस्तेमाल हुआ मर्डर में वो खाली कार्टेज मिला है, आप कह रहे हैं साजिश हुआ है?
मैडम आप कुछ बताइएगा, आपको क्यों पकड़ा गया है? मैडम भी कुछ नहीं बताएंगे। क्या कुछ कैसे क्या हुआ घटना? हाँ क्या पता चला है तुमको? एसपी साहब को सब कुछ बताएंगे। एसपी साहब को बताओगे? हमको भी बता दो ना, हम लोग पत्रकार हैं। बताओ कैसे क्या हुआ है? अब डरने का क्या बात है जब तुम लोग पुलिस के गिरफ्त में हो तो? तुमको जानकारी कब मिली जी मर्डर का? हम सोए हुए थे, हमको कुछ पता ही नहीं था। हम उठे आए उठाने के लिए, तो हम उठे तो बोल रहे थे कि हो गया कि हो गया। उसके बाद बाहर गेट खोलने लग गए, तो हम गेट खोले। उसके बाद फिर सबको बुलाए उलाए, फिर हम देखे मम्मी इधर जाके, तो मम्मी देखे पूरा नाक से ब्लड चल रहा था। तो घर में कौन कौन लोग था? हम थे, ये थे, नाना नानी थे और एक बच्चे थे। मतलब बड़ा में तुम तीन ही लोग थे? नहीं ये नहीं थे। नहीं नहीं वो नहीं, तुम थे, तुम्हारी मौसी थी। हाँ। और तुम्हारे मौसा थे। हाँ। बाकी घर में कोई नहीं था? नहीं नाना नानी भी थे, नाना ऊपर सो रहे थे, नानी नीचे सो रहे थे। नाना नानी का कितना उम्र है? बूढ़े हैं। बूढ़े हैं तो गोली की आवाज़ तुमको सुनाई नहीं दी? सुनाई दी थी लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वो गोली था। आवाज़ तुम सुने थे? आवाज़ सुने। तो कैसे पता चला कि मतलब तुम्हारी मम्मी का मर्डर हो गया? हम वही उठाए ना, तुम बाहर आए तो देखे नाक से ब्लड चल रहा। हाँ। पूरा। तो क्या बताना चाह रहे थे? बोल रहे थे कि एसपी सर को बताएंगे, तो बताओ हम लोग को थोड़ा। यही बात बता। हाँ यही बात। तो कौन मारा है तुम्हारी मम्मी का मर्डर, कौन किया? पता नहीं हमको। इसकी मम्मी नहीं मौसी है? मौसी है। हम सोए हुए थे, हमको कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी मौसा मौसी में लड़ाई झगड़ा होता था जी? हाँ कभी कभी होता था। किस बात को लेकर? पता नहीं ऐसे थोड़ा मोड़ा। हथियार कैसे मिल गया? इनके पास था। उन्हीं के पास था? अटैची में रखा हुआ था। हम बाहर थे तो हम देखे अटैची खोल रहे थे, फिर हम अंदर गए तो हम बोले कि बिना पूछे वो कहा ही सब कुछ खोल रहे हैं। उसके बाद हम बाहर आ गए, फिर उन्हीं के कोई सर थे वो अंदर गए और फिर हम उनके पीछे पीछे अंदर गए। हम गेट पर साइड होकर खड़े हो गए थे, लेके आए थे इधर खोस के। और इनके कमर में था हथियार? पिस्तौल था कि पिस्टल था? पता नहीं हम नहीं जानते। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं मारे हैं। हम नहीं कह सकते, हम सोए हुए थे, हमको अपना पता नहीं है। तुम्हारे मौसा शराब वराब भी पीते हैं? नहीं शराब वराब तो नहीं। कभी कभार? कभी कभी पीते होंगे लेकिन घर में वैसे पी वो नहीं कभी। मौसी क्या करते थे? एनएम थे। एनएम थे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सौरभ। सौरभ आज सुबह 3:30 बजे के आसपास थानाध्यक्ष कजरा संजीव को सूचना मिली कि अरमा गांव में राजेंद्र मंडल के घर पर गोली चली है। थानाध्यक्ष कजरा अपने पदाधिकारी एवं बल के साथ अरमा गांव पहुँचे। राजेंद्र मंडल के घर के बरामदा पर एक महिला को खून से लथपथ मृत अवस्था में पाया। राजेंद्र मंडल से पूछताछ की गई थानाध्यक्ष के द्वारा, तो उसने बतलाया कि अपराधकर्मी आए थे और गोली मारकर चले गए। थानाध्यक्ष कजरा द्वारा इस हत्या की सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई। एएसपी रोशन अहले सुबह घटनास्थल पर पहुंचे, उनके साथ सीआई सूरजगढ़ा, एसएचओ सूरजगढ़ा, एसएचओ पीरी बाजार भी घटनास्थल पर थे। सभी लोगों के द्वारा एएसपी रोशन के नेतृत्व में घर में उपस्थित राजेंद्र मंडल, मृतका की बहन सुमन भारती
और सुमन भारती के पुत्र सौरभ कुमार से पूछताछ बारी बारी से की गई। पूछताछ के दौरान इन तीनों के बयान में भिन्नता पाई गई। उसके बाद पुलिस को लगा कि ये घटना प्लांट किया हुआ है। जो राजेंद्र मंडल बतला रहा है कि अपराधकर्मी आया था और गोली मारकर चला गया। इसी क्रम में घर की तलाशी ली जाने लगी। तलाशी के क्रम में घटना में प्रयुक्त हथियार जो राजेंद्र मंडल छुपाने की कोशिश कर रहा था अपने कमर में, उसे बरामद किया गया। उसी हथियार से राजेंद्र मंडल ने अपने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। हत्या का कारण यह है कि राजेंद्र मंडल की पत्नी मृतका की छोटी बहन सुमन भारती से राजेंद्र मंडल का अवैध संबंध था। वो घर में ही रहती थी और सुमन का बेटा भी उसी घर में रहता था जिसका विरोध मृतका करती थी। इसी कारण से पूरे प्लान्ड वे में एक साजिश के तहत राजेंद्र मंडल, मृतका की बहन और सौरभ कुमार के द्वारा प्लानिंग कर मृतका की गोली मारकर हत्या की गई और पुलिस को डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम में घटना में प्रयुक्त हथियार, खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के बयान पर ही हत्या का और आत्म बरामदगी का यह केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लगभग इस कांड का पूर्ण अनुसंधान कर लिया है। मृतका हाँ ANM थी, मुंगेर में, धरहड़ा में। इस संबंध में पूछताछ राजेंद्र मंडल से की जा रही है। हथियार को देखने से साफ लग रहा है कि यह एक नया हथियार है। उससे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि यह हथियार कहां से लिया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से प्लान्ड वे में हुआ है। सौरभ का क्या रोल था सर इस पूरे में? सौरभ ही विरोध का बहुत बड़ा कारण था। मृतका की तीन पुत्री थी, उसे कोई पुत्र नहीं था। राजेंद्र मंडल ने मृतका की बहन के पुत्र सौरभ को गोद लिया हुआ था दत्तक पुत्र के तरह, जिसका विरोध मृतका करती थी। मृतका की हत्या के बाद सारी प्रॉपर्टी और मृतका के स्थान पर नौकरी सौरभ को ही मिलता, इसीलिए यह घटना पूरी तरीके से प्लान्ड वे में किया गया है। सुमन भारती को हत्या के प्लान के बारे में पहले से पता था? जो घटना स्थल है उसके अवलोकन से साफ लग रहा है और इन लोगों से जो पूछताछ हुई है उससे साफ स्पष्ट है कि ये प्लान करके ही ये हत्या की गई है।